हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय सेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 6.1, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से बेस्ड है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। जो आपको प्रेफर हो आप वो कीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि हमें ये ब्लैंक्स दिए गए हैं और साइड में हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, देख लीजिए, और हमें इनको फिल करना है। करते हैं, समझेंगे। देखिए कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, कि सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, समान सम या समरूप। अब कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर क्या होते हैं, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कराया पहली वीडियो में, वो आपको जाके आप देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। देखिए ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, जैसे समझाया था मैंने आप लोगों को कि अपना हाथ है, ये अपना हाथ है, बिल्कुल क्या है, शेप भी सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, डिटो कॉपी है ना, बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज हो, का शेप सेम और साइज भी क्या हो, सेम हो, वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट यानी समरूप है। जैसे बात की जाए सर्कल्स की, दोस्तों एक सर्कल ये बना दिया मैंने और एक सर्कल बना दिया ये, बात सर्कल की हो रही ना, वृत्त की बना रही है। दोस्तों क्या ये दोनों मेरे डिट्टो कॉपी है क्या, बिल्कुल सेम है क्या, नहीं है ना, इनकी सिर्फ क्या है, सेम सेम है। अब आपको सर नहीं कैसे दिख रहा है, समझने की कोशिश करो, ड्राइंग में बहुत अच्छी है ना, दिख गई होगी आपको, ठीक है, कि अपने सिमिलर क्या होते हैं, जिसकी सिर्फ सेम 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 हो, ठीक है, सिर्फ क्या हो, सेम सेम हो, और साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। और अपना यानी इसमें देखो सर्कल के अंदर क्या है, कि सर्कल्स के अंदर मेरी शेप तो सेम हो सकती है, लेकिन साइज जो है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो यानी इसलिए यहां पे क्या आएगा मेरा, सिमिलर, सिमिलर है ना, ये बात। यहां पे समरूप क्या हुआ, जिसका क्या हो, सिर्फ साइज सेम हो, तो इसलिए यहां पे भी क्या आ जाएगा अपना, समरूप। क्लियर है। अब यही बात इसके अंदर है कि ऑल स्क्वेयर्स आर, अब बात हो रही है स्क्वेयर्स की। अब एक स्क्वेयर मैंने ये बना दिया और एक स्क्वेयर मैंने ये बना दिया, इनका साइज क्या है, छोटा बड़ा है, अलग अलग है ना, तो इसलिए ये भी क्या होंगे मेरे, सिमिलर होंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी समरूप होंगे। जिस पे निशान लगा रहा हूं दोस्तों वो क्या, इसका आंसर है, जहां पे ये कर रहा हूं मैं वो क्या आ गया, इसका आंसर। क्लियर है, इसको भी इसमें कर देते हैं, ये क्या आ गया, इसका आंसर। क्लियर है। अब बाकी क्या है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कि ऑल ट्रायंगल आर, कोई वो ट्रायंगल है ना, कौन से ट्रायंगल होंगे जो कि सिमिलर होंगे। एग्जांपल दे रखे हैं हमें कि आइसोस्केल और इक्विलेटरल, कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, बात हो रही है समरूप के, सिमिलर की। सिमिलर क्या होता है, जिसका क्या हो, साइज सॉरी शेप क्या हो, सेम हो, समझ गए। अब देखिए दोस्तों यहां पे दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, कौन से, हमें ट्रायंगल्स बना दी दोस्तों, एक बना दिया मैंने क्या, आइसोस्केल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु बाहु, और एक बना दिया मैंने, इसमें दो साइड इक्वल है, और ये बना दिया मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर समबाहु त्रिभुज एक ये है, ठीक है, यहां पे दो का लेते हैं इक्विलेटरल का, ठीक है, और यहां पे लेते हैं हमारा समबाहु उसके तीनों हैं। अब देखिए दोस्तों, जब तीनों साइड सेम है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उनके अंदर बनने वाला एंगल, उनके अंदर बनने वाला कोण क्या होगा, सेम होगा, 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, सेम होगा ना। और जब बात होती है आइसोस्केल ट्रायंगल की, यानी अपने समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की, उसके अंदर दोस्तों एंगल्स क्या हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए यहां पे सिमिलर में क्या है, सेम, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर एंगल छोटा बड़ा हो जाता है तो वो ट्रायंगल मेरी क्या नहीं होगी, सिमिलर नहीं होगी। इसलिए यहां पे क्या आएगा मेरा, इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज। क्लियर है। अब आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या, टू पॉलीगंस, अब बात हो रही है पॉलीगंस की, यानी बात हो रही है बहुभुज की, कि बहुभुज होता क्या है ना, यानी कोई भी एक क्लोज फिगर जिसकी साइज 3 या 3 से ज्यादा हो, समझ गए, कोई भी एक क्लोज फिगर इसकी साइज क्या हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, ठीक है। अब समझाते हैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा,
जैसे मैंने क्या बना लिया, एक ट्राइंगल ले ली, तीन साइड है, क्लोज है, ये भी क्या है, पॉलीगन है, फोर साइड के भी, मतलब तीन से ज्यादा कितनी भी साइड हो सकती है वो क्या हो जाएगा, मेरा क्लोज फिगर होनी चाहिए, ये क्या हो गया, पॉलीगन हो गया, समझ गए। अब कहता है टू पॉलीगन्स है, कोई भी दो पॉलीगन्स है, मान लेते हैं ये हमारे कोई भी दो पॉलीगन्स है दोस्तों, ठीक है, आर द नंबर ऑफ साइड, आर सेम नंबर ऑफ साइड, ये एग्जांपल मान लो, या फिर ये मान लो कि नंबर ऑफ साइड क्या है, इक्वल है, सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, वो ये दो सिमिलर कब होंगे, और इसके हमें दो पार्ट दे रखे हैं। अब हिंदी में क्या है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, कि भुजाएं कितनी है, सेम, यहाँ पे तीन तीन है, यहाँ पे चार चार, यहाँ पे पांच पांच है, और यहाँ पे छह छह, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, दो बहुभुज, बहुभुज ही होंगे, समरूप होते हैं, वो समरूप कब होंगे, यदि देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर, कि उनके अंदर बनने वाले एंगल दोस्तों क्या होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि इनके जब एंगल सेम होंगे दोस्तों, इनके अंदर बनने वाला जो एक एंगल है ये सेम होगा, तभी क्या होगा, ये सेम हो सकते हैं, तभी शेप क्या बनेगी, सेम बनेगी। अगर एंगल छोटा बड़ा हो गया तो वो क्या सेम हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। एक एंगल ये है मान लेते हैं 60 डिग्री का, अगर एक मैं इसको चेंज कर दूं 45 का, तो शेप क्या हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है ना, इसलिए उनके जो एंगल्स है वो क्या होने चाहिए, मेरे इक्वल होने चाहिए, यानी उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, मेरे बराबर होने चाहिए, तब जाके वो त्रिभुज मेरी क्या बनेगी, एक दूसरे के, सॉरी, वो बहुभुज पॉलीगन मेरा क्या होगा, समरूप होगा। सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों इसका, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर, उनकी साइड्स क्या है, साइड की बात क्या है दोस्तों, कि देखिए अगर यहां पे मैं एग्जांपल लेकर चलते हैं ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल का चैप्टर चल रहा है अपना, ठीक है, ट्रायंगल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं दोस्तों, कि मैंने मान लिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के इनके जो एंगल्स है वो क्या है, सेम है ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये 2 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, अब बात की जाए 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना, कि जो इनकी साइज, जो दोस्तों साइज होगी वो क्या होगी, सेम प्रोपोर्शन के अंदर होगी, समझ गए, कि 2, 4, 3, 6 मतलब बराबर होगी, ये नहीं होगा कि ये 2 हो गया, 4 हो गया, ये 2 हो गया तो ये 5 हो गया, 2 हो गया तो 6 हो गया, इस तरह नहीं, बिल्कुल 2, 4, 2, 4, 2, 4 सेम प्रोपोर्शन के अंदर मिलेगी, यानी समानुपाती मिलेगी बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी समानुपाती, ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हमें इंग्लिश में दोस्तों क्या दिया गया है, कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, कि दो अलग उदाहरण देने हैं हमें, पेयर बन जाए जो, पहला क्या सिमिलर जो अपने फिगर होनी चाहिए यानी समरूप आकृतियों के, और दूसरे भाग में दिया है नॉन सिमिलर फिगर यानी ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, वही बात दोस्तों फिर से कि समरूप आकृतियां होती क्या है ना, कि समरूप है क्या, सिमिलर है क्या, यानी जिनके अंदर क्या हो, एंगल्स क्या हो उनके, सेम हो, और साइज क्या हो, वो प्रोपोर्शन के अंदर होनी चाहिए, यानी छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। अब बात की जाए दोस्तों सिमिलर फिगर की, सिंपल सी बात है, एक तो बन जाएगा सर्कल मेरा, है ना, बिल्कुल बन जाएगा ना, ठीक है, छोटा बड़ा अलग अलग है, ठीक है, मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है, शेप क्या है, सेम है। अब बात की जाए आगे, तो मैंने बना दिया एक स्क्वायर, ये बना दिया जी मैंने, ठीक है, और एक स्क्वायर बना दिया जी ये, ठीक है, इनके अंदर बात की जाए तो एंगल्स दोस्तों इन सब के अंदर कितने का होता है, स्क्वायर के अंदर 90 का होता है ना, यहाँ पे 90 का है तो यहाँ भी कितने का होगा, 90 का होता है स्क्वायर के अंदर, साइड अलग अलग हो सकती है, ये मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर की, अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो बेटा आप, अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो आप, है ना। अब
एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एक लेते हैं ट्रायंगल का अपने का, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, यानी अपनी समबाहु त्रिभुज का, इसके अंदर बनने वाला एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है ना, चाहे अपनी ट्रायंगल छोटी हो या बड़ी हो, एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। और लेंथ की बात की जाए तो वो कुछ भी हो सकती है, अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, तो कर दोस्तों अपना समरूप आकृति का एग्जांपल, ठीक है, यानी इसके अंदर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, छोटे बड़े शेप्स है लेकिन क्या है, सिमिलर है। इसके अंदर स्केयर्स का ले लिया हमने और ट्रायंगल ले लिया, कोई भी दो लेने थे हमने 3 बना दिए। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जो सिमिलर नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। मैंने ले लिया एक स्केयर ले लिया, ठीक है, और एक क्या ले लिया, ट्रायंगल, है ना, अलग अलग है ना, ही शेप सेम है ना साइज सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, फर्स्ट हो गया ये। सेकंड की बात की जाए, मैंने ले लिया स्क्वायर ले लिया, ठीक है, अब एक ले लेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। थर्ड की बात की जाए, तीन और ले, एक और ले लेते हैं दोस्तों, एक में क्या ट्रायंगल ले लेते हैं और स्क्वायर ले लेते हैं, इन सब में क्या दोस्तों, शेप भी अलग है, ठीक है, साइज भी अलग है इनका, एंगल्स भी दोनों के अलग अलग है सबके, ठीक है। ये सिंपल दोस्तों एग्जांपल्स देने थे, आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या दिया गया है कि हमें दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, कि हमें दो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज दिए गए हैं, हमें बताना ये सिमिलर है या नहीं है, यानी ये समरूप है या नहीं है। समरूप होने के दोस्तों क्या चाहिए, कि उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, और साइज क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन के अंदर होने चाहिए। तो मैंने देखा कि पहले साइज देखते हैं कि 1.5 और 3। मैंने देखा कि मेरी साइज तो प्रोपोर्शन के अंदर है, क्योंकि देखो 1.5 है ना, 2 से किया 3 सेंटीमीटर बन रहा है ना, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, वाह जी वाह, यानी जो मेरी साइज है यानी भुजाएं हैं वो तो क्या है मेरी, किसके अंदर है, प्रोपोर्शन के अंदर है, यानी समानुपाती है, समान अनुपात बन रहा है। चेक करना हो, दिखाना हो कैसे, डिवाइड में 3, 1.5 डिवाइड में 3, 1.5 डिवाइड बाय 3, ये चारों साइज क्या है दोस्तों, इनकी एक ही अनुपात में है, है ना, समानुपाती है, यानी सेम प्रोपोर्शन के अंदर है। अब बात की जाए दोस्तों एंगल्स की, यहाँ पे एंगल ए इस स्क्वायर के अंदर देखा जाए तो मेरा एंगल कितने का बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ से बात की जाए जो मेरा एंगल क्या है, अलग अलग है, यानी एंगल अलग है तो अपने इस फिगर का शेप भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एंगल अलग है, कोण अलग है, तो उनकी आकृति भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इसलिए सिमिलर के हमारे क्या रूल था, कि एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए और जो साइज है वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर होने चाहिए, यानी कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। यहाँ पे भुजाएं तो मैंने देखा कि समानुपाती थी, लेकिन जो मेरे कोण है, जो मेरे एंगल है, वो क्या थे, प्रोपोर्शन के अंदर नहीं थे, यानी समानुपाती नहीं थे। तो हम क्या लिखेंगे कि इन दिस फिगर द कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, कि इन फिगर्स में जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी संगत कोण क्या नहीं है, बराबर नहीं है। सो दीज, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, इसलिए जो चतुर्भुज है वो क्या नहीं है, अपने समरूप, या कहें हाँ समरूप ही है ना, समरूप नहीं है। दोस्तों यहाँ खत्म करते हैं इस वीडियो को, अपने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आई होप कि सब क्वेश्चन में आ गई होगी। जो कुछ भी डाउट रहा है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर नीचे कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर चाहो तो वहाँ डाउट पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।